सुपलामू के मांडू में महादलित परिवारों पर दबंगई के मामले में मुखिया समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं करीब 150 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। राज्यपाल ने महादलित परिवारों पर हुए अत्याचार को लेकर पलामू डीसी से रिपोर्ट तलब की थी, जिसके बाद पलामू डीसी आज खुद मामले की जांच करने के लिए उस गांव पहुंचे। इस दौरान डीसी ने कहा कि बेघर किए गए महादलित परिवारों को प्रशासन जमीन मुहैया कराएगा। वहीं पूर्व मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने भी पीड़ित परिवारों को से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। रामचंद्र चंद्रवंशी ने पीड़ित परिवारों को तत्काल राशन और कपड़े मुहैया कराए हैं। परिवार को जो है बेघर कर दिया गया, उजाड़ दिया गया है। जहाजियों के 24 घंटा के अंदर इन्होंने सभी को सेफ तरीका से लाया और इन लोग के लिए व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। इन लोग के द्वारा कल जो है सभी को कपड़ा, बच्चे हो चाहे बूढ़े हो चाहे जवान हो, सबको, औरत मर्द सबको कपड़ा अपने तरफ से लाया हूँ। और 50-50 केजी जो है चावल जो है आज जो है हर एक परिवार को हम दे रहे हैं कि जमीन जो है सेटल करके कम से कम 5 से 10 डिसमिल सेटल करके और इन लोग के जो है आवास बनाने का काम करें, अंबेडकर आवास बनाए और अंबेडकर आवास में इन लोग को पुनर्वासित करें। उसके बाद स्कूल की हम व्यवस्था कर रहे हैं। इन लोगों को हम बहुत जल्द 1 सप्ताह के अंदर हम लोग जमीन सेटल करने जा रहे हैं इन लोगों के नाम से, ताकि उस पर अंबेडकर आवास का निर्माण हो सके। सुनने में आ रहा है कि कल झड़प भी हुई है महिलाओं के साथ, खासतौर पर महिलाओं को आगे कर दिया। जब हम लोग यहाँ लेकर सोचे से वहीं पर बसा देंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।